किसने बर्बाद किया है? आपने बर्बाद किया, हम सरकार ने बर्बाद किया, आम जनता ने बर्बाद किया। दोनों पैनलिस्ट जो हैं मुद्दा से भटक रहे हैं। अमेरिका ने जिस तरह से सबसे पहले चाइना पर सवाल उठाया, साफ लग रहा है कि पूरे गेम में पूंजीवादी लॉबी था। ये तो बहुत असंभव सी बात है, अभी हम ये नहीं कह सकते। जो यूरोप या पूंजीवाद ने जिस संस्कृति को या जिस सामाजिक तंत्र को अपने यहाँ शताब्दियों में विकसित किया है, कोरोना जो है उस व्यवस्था को भारत में लेके आएगा। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है रेडियो इंडिया के इस खास कार्यक्रम में। कल WHO के जो एक सीनियर डॉक्टर है, उन्होंने ये कहा है कि कोरोना वायरस शायद इस दुनिया से ना जाए। जिस तरीके से HIV ने मानव जीवन के लिए अभिशाप का काम किया है, ठीक उसी तरीके से कोरोना वायरस अब मानव जीवन के लिए अभिशाप बनकर आया है। चाइना के वुहान लैब से निकला हुआ ये वायरस, जैसा कि अमेरिका का ये आरोप है कि चाइना के वुहान लैब से निकला हुआ ये वायरस पूरे दुनिया में इस तरह से तांडव मचा रहा है कि आज 14 लाख से अधिक संक्रमितों की संख्या सिर्फ और सिर्फ अमेरिका में है। इसके अलावा पूरे वर्ल्ड की बात करें तो लगभग 2,93,000 लोग इससे मौत के मुंह में समा चुके हैं और भारत में अब स्थिति और भयावह होने वाली है। आज हम लोग इसी बात पर चर्चा करेंगे कि क्या वाकई ये वायरस इस दुनिया में हमेशा हमेशा के लिए रहेगा, क्या वाकई ये वायरस यहाँ से नहीं जाने वाला है, क्या WHO के जो सीनियर ऑफिसर है जे रयान, उनका ये बयान पूरे दुनिया को एक नए आश्चर्य में नहीं डाल देता है। हमारे साथ तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहला सवाल हमारा राजेश भारती जी से है, अमात्या इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं। सबसे पहला सवाल ये है कि सर, क्या इस बात में कुछ सच्चाई आपको नज़र आ रही है? आपका देखिए, ये जो वायरस है, प्रकृति में वायरस तो रहेंगे ही रहेंगे, प्रकृति में वायरस होगा। अब प्रकृति में जो वायरस आ गया, उसमें दो एंगल है कि एक कि ये आर्टिफिशियल है या जैविक, ये जो है नेचुरल है। अब ये जो जैविक हथियार के रूप में इसको वुहान के लैब में लाया गया, ये अभी एक थ्योरी मात्र है, जो अमेरिका से भी अभी वही से हमारे जो है कैबिनेट मिनिस्टर नितिन गडकरी ने भी यही बात बोली है, लेकिन इसको अभी ये एस्टेब्लिश फैक्ट नहीं है। और इस वायरस के साथ हमें जीना जो है, निश्चित रूप से वायरस के साथ जीना सीखना पड़ेगा। दशकों बीत गए, लेकिन आज भी एड्स का वायरस मौजूद है। हम उसका टीका नहीं बना सके, हम आज भी कोई ऐसी दवा नहीं बना सके जो एड जो है, जब HIV पॉजिटिव एड्स में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो ठीक कर सके। अब हम दुनिया में, ये ठीक है कि हजारों देश, ये हजारों जो हैं साइंटिस्ट, कई सारे देश में, दर्जनों देश में इस पे काम चल रहा है कि हम इसका जो है कोई वैक्सीन बना ले, लेकिन वैक्सीन बनाना, उसको जो है उसके कई सारे टेस्ट के प्रोसीजर्स होते हैं, उनको फॉलो करके फिर लोगों के बीच जाना, ये इतना आसान प्रक्रिया नहीं है। अभी ये बात समझना होगा, मूल बात कि ये डर जो है ना, वायरस से ज़्यादा ये डर का माहौल बन गया है। डर हर निश्चित समय रूप से पागलपन पैदा करता है। ये समाज एक पागलपन की तरफ जा रहा है। आज अगर कोई बीमार है, उसको देखने को तैयार नहीं है। अभी आपने ही भी दिखाया एक खबर कि मेरठ में एक जो है पेशेंट के डेथ के बाद 24 घंटे से अधिक उसकी बॉडी इस इंतजार में रही कि कोई उसका अंतिम संस्कार कर दे। तो ये समाज पागलपन की तरफ जा रहा है। इससे जिस संस्कृति को हमने सदियों से विकसित किया है, शताब्दियाँ बीत गई मानवता को यहाँ तक पहुँचने में, वो खतरे में पड़ गया। इससे मानवता नहीं खतरे में डालना है, निश्चित रूप से वो शिकार मैं भी हो सकता हूँ, लेकिन इसके साथ ये सोचना है कि मानवता भी तो बचा के रखना है। ये WHO के जो डॉक्टर हैं, सीनियर डॉक्टर हैं, उनका ये बयान कहीं ना कहीं प्री प्लान स्टोरी की तरफ इशारा नहीं करती है सर? देखिए, इस दुनिया में सबसे ज़्यादा जो चीज़ है वो है वायरस। कोई और जीव ऐसा नहीं है कि जो इससे, इसकी नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स हैं इससे ज़्यादा हों। और जैसा कि इसकी परिस्थितियों से लगता है कि ये 100% जो ये मानव द्वारा तैयार किया गया वायरस है, क्योंकि जिस तरह की कंडीशंस हैं इसकी, कि हर कंडीशन में ये अपने आप को रह पा रहा है और इतनी जल्दी जल्दी म्यूटेट करता है, हर इंसान के शरीर में ये अलग अलग तरह से रिएक्ट करता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आने वाले समय में हमें इसके साथ जीना सीखना होगा। ये ख़त्म तो होने वाला नहीं है। आप ये देखिए, इतने वर्षों से हम पोलियो का वैक्सीन भी तैयार कर लिया और हम सारे दुनिया में उसको लगा रहे हैं, पोलियो की पल्स पोलियो का अभियान चला है, और तब जाके आज शायद कंट्रोल हो पाया, लेकिन अभी भी हम पूरी तरह से नहीं कह सकते कि पोलियो का वायरस जो है वो ख़त्म हो गया है।
उससे पहले आप लगाइए कि जो स्मॉल पॉक्स होता था, स्मॉल पॉक्स को ख़त्म करने में कितने वर्ष लगे इस दुनिया को। इसी तरह यदि हम आज कहें कि आज इसका वैक्सीन तैयार भी हो जाता है, जब तक सारी दुनिया का वैक्सीनेशन ना हो जाए और दुनिया में कोई भी इसका मरीज ना हो, तब हम कह सकते हैं कि हाँ ये वायरस ख़त्म हो गया। लेकिन उसको यदि हम कहें कि पूरा करने में कितने वर्ष लग जाएंगे, ये तो बहुत असंभव सी बात है, अभी हम ये नहीं कह सकते। तो हमें इसके साथ जीना सीखना होगा, हमें अपने जीने के तरीके बदलने होंगे, जैसे कि हमें ऑफिस में जाने से पहले बाहर स्प्रे रखना होगा, आपका सैनिटाइज करना होगा, मास्क का इस्तेमाल जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ मास्क का इस्तेमाल है, जो हमारी सोशल गैदरिंग हो। जिस तरह से अमेरिका ने इस वायरस पर पॉलिटिक्स शुरू की है, दे फर्स्ट से साफ है कि यह वायरस कम, अमेरिका का कब्जाधारी हथियार ज़्यादा है। जैसे पुराने ज़माने में होता था ना, चोर सफाई देता था कि मैंने चोरी नहीं की। अमेरिका ने जिस तरह से सबसे पहले चाइना पर सवाल उठाया, साफ लग रहा है कि पूरे गेम में पूंजीवादी लॉबी हावी है। अभी दो दिन पहले दुनिया के बड़े संचार कर्मी हैं नोम चोमस्की साहब ने कहा कि दुनिया में हो रही मौतों के पीछे अमेरिका ज़िम्मेदार है, भारत में नहीं, दुनिया में हो रही मौतों के पीछे अमेरिका ज़िम्मेदार है। वो देश जिनके पास अपने टूटे हाथ के इलाज का भी इंतज़ाम नहीं है, वो जैविक हथियार बना रहे हैं। और यह बात पता किसको चल रही है? अमेरिका को। अमेरिका उन राष्ट्रों को तबाह कर रहा है, और आज तक यूएन को इस बात का प्रूफ नहीं दे पाया कि उन देशों के पास जैविक हथियार थे। उसी तरह से संयुक्त राष्ट्र जैसी जो संस्थाएं हैं, वह यूरोपीय यूनियन और अमेरिका की बंधक हैं। वहां से जो इशारा मिलेगा वही कहेंगे, नंबर एक। नंबर दो, कोरोना सिर्फ ये कोरोना और वर्ल्ड फ्लू दोनों को मिलकर के कोविड-19 बना है, इसके अलावा म्यूटेशन का हमारे पास कोई साइंटिफिक बेस नहीं है जिसके आधार पर हम कहें कि यह जो है मानवजनित वायरस है। और यह प्रक्रियाएं, चूंकि दोनों वायरस कोरोना का वायरस भी और वर्ड फ्लू का वायरस भी हवाओं में है, तो इनके अपने म्यूचुअल म्यूटेशन से भी कोविड-19 बना होगा, नंबर एक। नंबर दो, भारत जैसे देश में जहां तापमान सामान्य दिनों में भी 30 के ऊपर होता है, वहां कोरोना का बहुत बड़ा खतरा नहीं है। यह हमें पहले दिन से ही कोरोना के साथ जीना सीखना था, जो हम अब सारी अर्थव्यवस्था चौपट करके वहाँ आ रहे हैं। हमें अपनी नीतियाँ अपने हिसाब से बनानी है। अमेरिका क्या कह रहा है, यूरोपीय यूनियन क्या कह रहा है, अमेरिका कह रहा है चाइना का मार्केट चौपट करो, हम क्यों करें? सवाल ये है कि उनके अपने बिजनेस इंटरेस्ट हैं, वो अपने लोगों की बलि चढ़ा करके भी अपना व्यवसाय ख़त्म नहीं कर सकते, वो कोई इथिकल बेस्ड देश नहीं है ना भाई। अमेरिका के पास हथियार और सेक्स के अलावा कोई दूसरा व्यापार नहीं है, वो तो अपने यहाँ की बहू बेटियों की सेक्स सीडी बना करके पूरे दुनिया के मार्केट में बेच देंगे और व्यापार करेंगे, हथियार बेचना उनको। हमें क्या करना है, सोशल वेलफेयर के लेवल पर हम कहाँ हैं? हम डे फर्स्ट से चूक कर रहे हैं। जब जनवरी में वायरस आता है और संसदीय समिति के चेयरमैन रामगोपाल यादव सरकार से इस मामले में स्पष्टीकरण मांगते हैं कि क्या तैयारी है, तब एडवांस रिसर्च के डीजी जा करके संसदीय समिति को बयान देते हैं कि हमारे पास एडवांस रिसर्च का पैसा नहीं है। एक तरफ सरकार एडवांस रिसर्च के लिए कहती है कि हमारे पास पैसा नहीं है, दूसरी तरफ वो कहती है कि हम 20 लाख करोड़ का, पता नहीं कितनी बड़ी डिजिट है, साला याद भी नहीं हो सकता, पैकेज दे रहे हैं। पैकेज किस बात के लिए दे रहे हो भैया? पूरे देश को आपने भिखारी बना दिया और बनाया अपनी रणनीति से। अगर पेटीएम खरबपति बना तो भी सरकार की रणनीति से, देश कंगाल बना है तो भी सरकार की रणनीति से। मैं आज इस बात को बहुत जोर देके कहना चाहूँगा कि कोरोना वायरस नहीं है, कैपिटलिस्ट लॉबी द्वारा फैलाया गया एक अफवाह है जिसके आगोश में गरीब दुनिया को लूटने की तैयारी है, और ये लोग लूट रहे हैं, बुरी तरह लूट रहे हैं। अभी शुक्ला जो कह रहे हैं कि ये पूंजीवाद का षडयंत्र है, तो मैं ये बात कहना चाहूँगा कि जो आर्थिक नीति चाइना की हो या वेस्टर्न यूरोप की हो या इवन हमारे अपने देश भारत की हो या अमेरिका की हो, आर्थिक व्यवस्था सभी देशों में सिद्धांततः समाजवादी देश चाइना है, लेकिन वो बाजार की शर्तों पे चला। चाइना भी आज पूंजीवादी देश है और पूंजीवाद को बाजार चाहिए, इसलिए बाजार को खतरे में डाल के चाइना ने वायरस बनाया या अमेरिका उस पर आरोप लगा रहा है, इसलिए भी मैं इस बात से कि मैं ये फैक्ट एस्टेब्लिश करना कि ये वायरस मानव निर्मित है, ये लैब में बना है, ये नहीं है, और ये पूंजीवाद के का षड्यंत्र नहीं। पूंजीवाद आज सबसे ज़्यादा अगर जो है खतरे में है पिछले 3 शताब्दियों में, तो पूंजीवाद सबसे ज़्यादा खतरे में आज है। 1929 की भी जो मंदी है, विश्वव्यापी मंदी, वो मंदी भी पीछे रह जाएगी, आने वाले समय मानवता इसको देखेगा।
इसलिए ये जो है आरोप की ये पूंजीवाद अमेरिका कुछ भी बेच, अमेरिका बेच नहीं पाएगा, क्योंकि अंततः पूंजीवाद का सिंपल सिद्धांत है कि आदमी बीमार शराब पिलाना है, फिर वो बीमार होगा, फिर डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर मेडिसिन लिखेगा, डॉक्टर जांच लिखेगा, वो पूंजीवाद साइकिल में घूमता है, वो एक चक्रीय सिद्धांत है पूंजीवाद, और इसमें चक्रीय सिद्धांत ब्रेक होता है, इसलिए ये अमेरिका पूंजीवाद का षड्यंत्र नहीं है, पूंजीवाद को ही सबसे बड़ी चुनौती मिल गई है। कैपिटलिज्म और फ्यूडलिज्म में बेसिक डिफरेंस यही है कि कैपिटलिस्ट हमेशा प्लास्टिक की नाक लगा के चलता है, अमेरिका या यूरोपीय यूनियन अपने यहाँ प्रोडक्शन यूनिट इस्टेब्लिश नहीं करेंगे, प्रोडक्शन यूनिट भारत और अफ्रीकी जैसे देशों में हो, उसकी पहली शर्त है कि चाइना का मार्केट चौपट करो, और चाइना का मार्केट आज के डेट में चौपट हुआ है, और इससे नुकसान अभी कहीं भी यूरोपीय यूनियन और उसकी लॉबी को नहीं दिख रहा है। जिस दिन नुकसान यूरोपीय यूनियन और उसकी लॉबी को दिखेगा, ये तुरंत इस वायरस को कंट्रोल करेंगे, इसके साथ जीना सिखाएंगे, मरना सिखाएंगे, सब सिखाएंगे। सवाल यह है कि अमेरिका कहाँ जा रहा है, चाइना कहाँ जा रहा है, हमें उस लॉबी में नहीं पड़ना है। आज हम तीसरी दुनिया का समर्थन गया भाड़ में, हम अपने ही नागरिकों का समर्थन खो चुके हैं। हमारी सरकार जिस तरह से कैपिटलिस्ट लॉबी को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में लगी है, जो 2-2% पर अमेरिकी लॉबी की दलाली में लगे हैं, साफ जाहिर हो रहा है कि वायरस नहीं है भाई, लूट का तंत्र है। अभी 3 दिन पहले गुजरात में अडानी साहब को जमीन दिलवा दी गई आदिवासियों से उठा करके, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? पूरी दुनिया में या तो अमेरिकी लॉबी बढ़ रही है, या उसके नागरिकों के लिए 2-3% पर दलाली करने वाले भारतीय और अफ्रीकी इंडस्ट्रियलिस्ट बढ़ रहे हैं। पैसे को एक तरफा किया जा रहा है ताकि इस महामारी के बाद उसका इन्वेस्टमेंट बेहतर हो और भारत को पूरे दुनिया का डस्ट जोन बना दिया जाए, दुनिया इन द सेंस अमेरिका और यूरोपीय यूनियन की लॉबी का, प्रोडक्शन यहाँ हो, बिके माल वहाँ। क्यों? क्योंकि उनके लिए भारत से सेफ जोन नहीं होगा, जो यूरोप की तर्ज पर सेमी मॉडर्न है और अफ्रीका की तरह जो है लेबर के लिए सफिशियंट माइग्रेंट आवाम भी मुहैया कराता है। तो दोनों अरविंद जी, यदि हम प्रोडक्शन भी करेंगे तो क्या इंडिया को रोजगार नहीं मिलेगा, क्या इंडिया की जनता को कुछ फायदा नहीं मिलेगा? और दूसरे आप ये देखिए, आपने कहा कि ये COVID-19 जो है वो बर्ड फ्लू और जो कोरोना वायरस है उनके म्यूटेशन से बना है, तो उसके लिए क्या वुहान की ही जमीन और वहाँ की हवा ही कंड्यूसिव थी? वहीं से हुआ ना, शुरुआत तो वहीं से हुई, उसको चाइना क्यों नहीं एक्सेप्ट करता? कर्नल साहब, ये तो वही बात हुई कि 2% रोजगार के चक्कर में हम 100% देश बेच दें। अभी जो सरकार MSME प्रोजेक्ट लेके आ रही है उसमें 100% तक FDI है, यानी 2% पर जब इस देश के अंबानी और टाटा बिरला अंबानी जैसे लोग दलाली कर सकते हैं, 7% पर हम अपने यहाँ के श्रम और संसाधनों की दलाली क्यों करें? जिस इंडिया के आवाम का 100% पर कब्जा होना चाहिए, वहाँ आप 7% पर कह रहे हो रोजगार जनरेट होगा, पूरा देश बेचने की तैयारी हो गई है। बेचने की तैयारी नहीं हो रही है, रोजगार की शर्त पर आप 100% रोजगार को हमें अपने संसाधन जुटाने पड़ेंगे, अपने गाँव में जो हमारे गांव की व्यवस्था एक होती थी जिसमें पूरे एक गांव के अंदर सारा सिस्टम होता था, उसमें कुम्हार होता था, लोहार होता, सारी ट्रेड वर्क वहीं पे होता था, एक जो गांव था वो एक राज्य की तरह था, इंडिपेंडेंट था वो, इट वॉज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीबडी। हमने वो धंधे खत्म कर दिए, लोग बाहर इधर उधर निकलने लगे, लेकिन जैसे जिस तरह से माइग्रेशन हो रहा है, लोग वापस अपने गांव में पहुंच रहे हैं, तो वापस से गांव में अपने धंधे शुरू करेंगे और इकोनॉमी, हर गांव की अपनी अपनी इकोनॉमी होगी। देखिए, ये सरकारों की मंशा पर बड़ा असर पड़ता है। कर्नल साहब जो बातें कह रहे हैं ये बिल्कुल एक तरह से देखा जाए तो बेसलेस है। नेहरू ने जब ग्राम स्वराज की अवधारणा दी तो उससे खेती को इंडस्ट्री में कन्वर्ट करने के पूरे तरीके दिए, नहरों का जाल बिछाया, सरकारी ट्यूबवेल लगाए, यानी हमसे पहले हमारे फादर की जो पीढ़ी रही है वो लोग नौकरी करना शान के खिलाफ समझते थे, क्योंकि जमींदारों के लिए नौकरियां नहीं होती थी, उसका कारण था खेती जो है बेहतर बिजनेस था। अगर हमारे पास 200 बीघे धान है तो हमारी धान की लागत जो है न्यूनतम आती थी उस ज़माने में 10,000-8,000 रुपये, क्योंकि 75 पैसे में जो है नहरों से सिंचाई होती थी। सिंचाई का बिल 75 पैसे 200 बीघे, और वो भी 20-20 वाले बीघे का रिकॉर्ड बता रहा हूँ। आज 200 बीघे सिंचाई का क्या रेट है? जब टोटल प्रोडक्शन मार्केट के रेट पर होगा तो किसान कैसे नहीं मरेगा? नहरें बर्बाद हो गई, क्यों कहां बर्बाद हो गई? जाइए देखिए किसने बर्बाद किया है? आपने बर्बाद किया, हमने नहीं बर्बाद किया, आम जनता ने बर्बाद किया। हमारे दोनों पैनलिस्ट जो हैं मुद्दा से भटक रहे हैं। भारत में सामंतवाद और जमींदारी व्यवस्था को खत्म हुए अभी 7-8 दशक भी नहीं हुए,
और 8 दशकों में भारत को पूंजीवादी देश के उत्पादन केंद्र के रूप में स्थापित करने वाले को लेके जो बहस है ना, वो बहस ही बेमानी है। पूंजीवाद एक चरित्र होता है, पूंजीवाद उदारवाद के साथ चलता है, जो भारतीय समाज अभी भी जाति में जी रहा है। अगर हम अपने लेयर्स निकालें ना, तो सबसे जो अंतिम लेयर निकलेगा हिंदू का, वो जाति का निकलेगा, और लोगों के धर्म के लेयर निकलेंगे। तो जो समाज जाति और धर्मों से अभी बाहर नहीं निकल सका है, वहाँ पूंजीवाद का उत्पादन केंद्र बनाना और चीन से सारे पूंजीपति भाग के अफ्रीका और भारत में आके अपने उद्योग धंधे लगा देंगे, ये सिर्फ ख्याली पुलाव है और हम कल्पना के लेवल पे कुछ भी सोचते हैं। देखिए, चाइना के पूंजीपति कहीं नहीं जा रहे हैं, पूंजीपति तो अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के आएंगे, क्योंकि चाइना ने तो अपना मार्केट अपनी शर्तों पर इस्टेब्लिश किया है और उसने दिखाया। आज जिस बात की बात कर रहे हैं कर्नल साहब, भारत की स्थिति शायद बहुत अच्छी है। चाइना जिस हालात से उठा था, एक उल्टी करता था तो दूसरा खा जाता था। कॉमरेड माओ ज़ेडुंग के हाथ में जब सत्ता आती है तो वो यही कहते हैं कि मैं कुछ नहीं करूँगा। पूरी मीडिया खामोश हो जाती है उस दौर की, कि इतनी शानदार क्रांति के बाद जो मसीहा पैदा हुआ, वो कह रहा मैं कुछ नहीं करूँगा। और उसने सिर्फ एक काम किया, हर हाथ को काम दिया। हर हाथ के काम से जाहिर सी बात है कि क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं आएगा, घटिया प्रोडक्ट बनेगा। घटिया प्रोडक्ट का ही एक बड़ा खरीदार है, बड़ा खरीदार है। जो रिफाइंड प्रोडक्ट है उसको 2% लोग यूज़ करते हैं, 98% घटिया प्रोडक्ट या मिडिल क्लास का प्रोडक्ट यूज़ करता है। हमारे मेरठ में या भारत में 500 ऐसे प्रोडक्ट मिलेंगे जो चाइना में नहीं बनते और घटिया होने के कारण उनको चाइनीज़ प्रोडक्ट के नाम पर बेचा जा सकता है। हम पूरे दुनिया का बाजार ना बने, कोरोना महामारी में हमको इस लेवल पर ला के खड़ा कर दिया गया कि अगर आज की डेट में यूरोपीय यूनियन भी आकर के 100% पर अपनी फैक्ट्री लगाएगा तो हमारे देश का ही इंटेलेक्चुअल खड़ा होकर कहेगा, भाई रोजगार तो दे रहे हैं, इसका विरोध क्यों कर रहे हो? भले लेबर लॉ का वायलेशन कर रहे हैं, भले तुम्हारे श्रम की लूट रहे हैं। हमारी अपनी व्यक्तिगत राय है कि दुनिया में सबसे बड़ी लूट श्रम की लूट है, और इस लूट की इजाज़त अगर कोई सरकार देती है तो उसका विरोध होना चाहिए। हमारे जो दोनों पैनलिस्ट हैं, वो हम कोरोना पे बहस कर रहे थे और आर्थिक तंत्र की तरफ हम मुड़ गए। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हर एक संस्कृति का एक सामाजिक तंत्र होता है, एक सामाजिक शैली होती है, एक जीवन का तरीका होता है। सबसे बड़ा जो प्रभाव और जो समाज और संस्कृति समाज के बीच में जो है धीरे 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 विकसित होती रहती है, बदलती रहती है, विकसित होती रहती है, एक बदलाव की निरंतर और सतत प्रक्रिया है। वो सतत प्रक्रिया में एक कोरोना का जो है ऐसा हस्तक्षेप आया है कि जहाँ जीने की एक नई शैली की तरफ हमें जाने पड़ेगा, एक जीने का नया शैली हमें जो है लेके आगे बढ़ना पड़ेगा। उस शैली में अब जैसे हमारे यहाँ विवाह या किसी भी तरह के फंक्शन है, उसमें जो है बड़ी संख्या में भीड़ होना, लोगों का जो है खूब सारा एक जगह इकट्ठा हो जाना, अब ये आसानी से नहीं हो पाएगा। मॉल्स में जो है कई बार इतनी भीड़ हो जाती है ख़रीदारी जब ऑफ़र आते हैं कि वहाँ पैर रखने तक की जगह नहीं होती है, वो चीज़ें वो जो है अब नहीं देखने को मिलेगा। एक नए जीवन के लिए के तरफ भारत बढ़ेगा और उस नए जीवन के हिसाब से ही सामाजिक संस्कृति आगे बढ़ेगी। अब छोटी छोटी गैदरिंग जो यूरोप या पूंजीवाद ने जिस संस्कृति को या जिस सामाजिक तंत्र को अपने यहाँ शताब्दियों में विकसित किया है, कोरोना जो है उस व्यवस्था को भारत में लेके आएगा। इसलिए पूंजीवाद के लिए भारत जैसे देश में और ऐसे अल्पविकसित देश में जिनका सामाजिक तंत्र डिफरेंट है, भिन्न है, वहाँ एक सकारात्मक परिणाम पूंजीवाद के लिए मुझे आता हुआ दिखता है। मैं राजेश भारती से बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि जो अभी लॉकडाउन चल रहा है या अभी तक जो हुआ है, इस लॉकडाउन में हमारी जो पॉपुलेशन है या आम जनता है वो काफ़ी साइकअप हो गई है और काफ़ी उनकी समझ में आ गया है कि हमें जीना कैसे है। क्योंकि आप देखिए, सब सैनिटाइज़र का इस्तेमाल, मास्क का इस्तेमाल और एक दूसरे से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं। और इसी जीवन शैली के साथ, क्योंकि लॉकडाउन अल्टीमेटली एक ना एक दिन तो ख़त्म होना है, क्योंकि इस लॉकडाउन के साथ तो जी नहीं सकते, चल नहीं सकता है। और जिस दिन ये लॉकडाउन ख़त्म होता है उसके बाद हमें इसी तरह की एक जीवन शैली अपनानी पड़ेगी। हालांकि पुराने ज़माने में जब इसको इसी चीज़ को छुआछूत का आरोप लगा दिया गया, लेकिन मैं समझता हूँ चाहे बाद में एक सामाजिक बुराई के तौर पे वो स्थापित हो गई, लेकिन शुरुआत वो इसी चीज़ से रही होगी कि जो पूरी तरह से सैनिटाइज नहीं है, साफ सुथरा नहीं है, तो उससे वो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जाती थी और जो आने वाले समय में हमें करना पड़ेगा। तो आज के इस लाइन में हमने ये देखा कि किस तरीके से कोरोना वायरस पे जैसे WHO के जो
सीनियर डॉक्टर हैं, उन्होंने जो बयान दिया था उसके आधार पर हमने ये डिबेट करने की कोशिश की, फाइंड करने की कोशिश किया कि आखिर क्या यहाँ के लोग भी ऐसा मानते हैं, क्या कोरोना इस दुनिया से नहीं जाएगा। ज़्यादातर लोगों का ये मानना था कि कोरोना शायद ऐसे ही रहेगा, हमारे ही जीवन के बीच में रहेगा और हमें अपनी ज़िंदगी को इसी के साथ रहते हुए सीखना पड़ेगा, अपनी ज़िंदगी को जीना पड़ेगा, इसके साथ रहने की आदत बनानी पड़ेगी। कुछ लोगों का ये भी मानना था, कुछ पैनलिस्ट का ये भी मानना था कि जिस तरीके से पूरे वर्ल्ड में पहनावे को लेकर के एक रूपता दिखाई जा रही, ठीक उसी तरीके से हमारे कल्चर भी एक रूप करने की कोशिश की जा रही है और इसमें अमेरिका का बहुत बड़ा हाथ बताया जा रहा है। अगले किसी और सब्जेक्ट पर हम आपसे फिर एक बार रूबरू होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। बहुत बहुत नमस्कार, शुक्रिया।